The question is AC and BD are chords of a circle that bisect each other. Prove that AC and BD are diameters and ABCD is a rectangle. अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि एक सर्कल है, उसकी टू कोर्ड्स हैं ए बी एंड ए सी एंड बी डी एंड दैट बाइसेक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं. हमें प्रूव करना है कि ए सी और बी डी जो है वो डायमीटर्स होंगे, और ए बी सी डी अगर हम उसमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल होंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं. ए सी एंड बी डी इक्वल कोर्ड्स हैं और बाइसेक्ट कर रही हैं, तो आपको फिगर ऐसे ही ड्रॉ करनी है कि वो एक रेक्टेंगल की शेप लें. एंड ए सी बी डी को डायमीटर ही प्रूव करना है हमें. ए सी एंड बी डी मीन्स कॉर्नर ज्वाइन करने पर आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल की फॉर्म आ जानी चाहिए. सपोज ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखते वाले हम, लेट ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, राइट. देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. इस इक्वेशन वन मार्क कर लेते हैं, राइट. अब देखो मुझे ए सी और बी डी को डायमीटर प्रूव करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखो डायमीटर अगर बनाना है तो कैसे इसे हम कर सकते हैं. अगर हमारे पास ए बी सी, ये ए बी सी कोर्ड से हमारे, सॉरी ये आर्क, ए बी सी आर्क जो है ये हमारे पास अगर सेमी सर्कल बन जाए तो ए सी अपने आप डायमीटर बन जाएगा, राइट. तो देखते हैं चलो यहाँ पर इसे कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दो अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. पहले हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें क्या क्या हमारे पास, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो भी हमारे पास इक्वल है. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये हमें गिवन है. गिवन है या फिर फ्रॉम वन लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर रखी है, राइट. एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई एस एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो बाई सिंपलिसिटी ए बी और सी डी कोड इक्वल आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारे पास इक्वल हो गया. अब अगर हमारे पास कोड इक्वल होती है, जैसे ये कोड हमारे पास इक्वल आ चुकी है, तो इन इनसे जो आर्क बन रही है ये आर्क, राइट, ए बी आर्क और इधर से डी सी आर्क, ये भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी. इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, राइट. इक्वेशन टू मार्क कर लेते हैं. तो ऐसे ही हमारे पास अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को बी ओ सी एंड ए ओ डी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बी सी और डी ए भी इक्वल आ जाएंगे. तो इसके लिए पूरा प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली बी सी आर्क बी सी इज इक्वल टू आर्क ए डी, राइट. सो फ्रॉम टू एंड थ्री अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड भी कैसे करना है, ए बी में आपको बी सी ऐड करना है, ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू यहाँ से सी डी प्लस ए डी. तो अब फिगर से देखो, ए बी प्लस बी सी हमारे पास आर्क ए बी सी होगी और यहाँ से आर्क सी डी ए या ए डी सी, राइट. अब देखो ये दो आर्क इक्वल आ गई, ए बी सी उधर से सी डी ए. अगर ये दो कम्प्लीटली आर्क हमारे पास इक्वल हैं, इट मीन्स जो ए सी है वो इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है पूरे सर्कल को, तो ए सी बन गया डायमीटर. सो दिस इम्प्लाइज ए सी डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स.
अब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मीन्स ये डायमीटर है, ए सी इज डायमीटर। जैसे ए सी डायमीटर है वैसे ही हमारे पास बी डी भी डायमीटर आ जाएगा। सिमिलरली बी डी, बी डी इज डायमीटर। सो देखो हमारे पास क्या था कि अगर ये दोनों डायमीटर बन गए हैं, डायमीटर बन गया तो एंगल इन सेमी सर्कल्स 90 होंगे, तो ये एंगल 90 होगा और इसका अपोजिट 90 होगा। अगर ए सी हमारे डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल की वजह से ए बी सी और सी डी ए दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, 90 होंगे। एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी, ये दोनों के दोनों होंगे 90 एंगल्स इन सेमी सर्कल। सिमिलरली जब हमारे पास बी डी डायमीटर है तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि डी ए बी और बी सी डी ये दोनों भी हमारे पास क्या होंगे, 90 होंगे। बी सी डी एंड बी ए डी सेम रीज़न है एंगल इन सेमी सर्कल। जब हमारे पास ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री आ चुके हैं तो इट मीन्स ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। All angles of ABCD are of 90 degree. This implies ABCD is a rectangle. ये प्रूव करना था हमें। थैंक यू।